गाइस इसको बनाने के लिए पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, आप कोई सा भी बाउल ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। फिर मैं इसमें सबसे पहले ले रही हूँ यहाँ पर मैदा। तो मैदा फ्रेंड्स, मैदा से ही ये जो चोकोस हैं वो बनते हैं, तो मैंने यहाँ पर आधा कप मैदा ले ली है क्योंकि मैं थोड़े से ही बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों का ये होता है कि पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, तो पहले ट्राई कर लेना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़े से ही बना रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये एक चम्मच कोकोआ पाउडर। तो गाइस बस आपको यही सामान बाहर से लाना है और सारा सामान आपके घर में अवेलेबल होता है, और ये सिर्फ 50 रुपये का इतना बड़ा डब्बा मिलता है जो आपके लिए केक बनाने के लिए, ये चोकोस बनाने के लिए आप बहुत तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है और कलर भी आ जाता है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा या पाउडर, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। तो चुटकी भर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बच्चों को दे रहे हैं हम क्योंकि, तो इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप। तो गाइस ये जो चोकोस हैं काफ़ी अच्छे बनेंगे, क्रंची बनेंगे, आपके बच्चे इजीली इसको खा पाएंगे। तो देखिए हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप चाहें तो इसको नॉर्मल जो घर में रागी का आटा आता है उससे भी बना सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल मैदा थी तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए कलर भी आ चुका है इसमें थोड़ा सा। फिर हम इसमें लेंगे ये थोड़ी सी शुगर, तो शुगर को मैंने बारीक पीस रख के रखा हुआ था ऑलरेडी। आप शुगर आपकी पतली है तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं, पर मेरे पास शुगर मोटी थी तो इसलिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। तो मैंने इसमें 2 से 2.5 चम्मच के लगभग शुगर डाल ली है। उसके बाद बस हमें इसमें डालना है मिल्क, मिल्क आपका जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो डाल लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ये मिक्सचर है ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, इसलिए दूध को थोड़ी ही क्वांटिटी में डालें पहले, क्योंकि अगर पतला हो गया तो उसको गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर मतलब दिक्कत हो जाएगी ना फिर आपको और सामान डालना पड़ेगा इसमें। तो इसको अच्छे से चलाते रहिए और ताकि इसकी जो लम्स हैं वो हट जाए। तो इसको गाइस हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं ये जो मिक्सचर है कुछ इस तरीके का बना है। आपको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और गाढ़ा भी नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कोन लेंगे, मैंने ऑलरेडी ये कोन बनाई हुई थी घर पे, जो पिन्नी आती है दूध की उसके उससे मैंने ये बना ली थी, और इसको हम इस तरीके से खोलेंगे और इसके अंदर ये जो मिक्सचर है उसको डाल देंगे। तो मैं थोड़ा ही ले रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया पहले थोड़े ही बना के देखेंगे, बच्चों के मुंह के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो मैंने इसमें इसको अच्छे से भर लिया है और ऊपर से हम इसको रबर बैंड लगा देंगे। तो गाइस हमारी कोन बनकर रेडी है, अब हम लोग क्या करते हैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर फ्राई पैन रखा है, इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस पर डाल देंगे इस तरीके से। आप इसको जैसी चाहें वैसी शेप दे सकते हैं। आप इसको माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, बट माइक्रोवेव में क्या होता है कि टेम्परेचर का डर रहता है कि टूट ना जाए, जल ना जाए, इसलिए मैं इनको ऐसे ही नॉनस्टिक पैन में बना रही हूँ। तो गाइज़ मैंने सारे जो चोकोस हैं वो देखिए बना दिए हैं। अब हम इनको बिल्कुल, मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे किया हुआ है, जब ये थोड़ा सा नीचे से सिक जाएंगे तब हम इनको पलट लेंगे। तो गाइज़ 10 मिनट के बाद हम इसको इस तरीके से हटा लेंगे सबको, देखिए आराम से ये हट भी रहे हैं। और इनको सिकने के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। तो हमारे चोकोस बनकर रेडी हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे जो चोकोस हैं बनकर बिल्कुल रेडी हैं। तो आपको बस एक काम करना है, जब ये बन जाए गैस को बंद करके इसको 10 मिनट के लिए इसमें ही ऐसे ही छोड़ देना है। इससे क्या होगा, ये एकदम क्रंची बन जाएंगे। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो गाइस आप देखिए, आप
एकदम बने हैं ना दुकान वाले चोकोज़, दुकान से चोकोज़ जो लाते हैं उसमें क्या होता है कीड़े पड़ने का डर रहता है, बहुत चीज़ें होती हैं, बट ये जो घर के चोकोज़ हैं एकदम हेल्दी हैं और हम आराम से बच्चों को दे सकते हैं अपने। तो आप इनको बच्चों को दीजिए और अपने बच्चों को खुश करिए घर में ही इनको बना के। तो जब भी मेरा बेटा कुछ डिमांड करता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको बना कर दूँ। और देखिए मैं इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ आपको, एकदम जैसे चोकोज़ बाहर का होता है वैसे ही बनाया है, ठीक है गाइस? तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस। इसकी रेसिपी आपको बस क्या करना है, दूध लेना है, आप मीठा दूध भी ले सकते हैं, और फिर बस इन चोकोस को इसमें डाल दीजिए और अपने बच्चों को खिलाइए। तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये इतना अच्छा चोकोस आप घर पर बना सकते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे आपके लाइक और सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।